को स्टार्ट किया, स्मार्ट वैल्यू का करियर देखा और सब उसको फिल्म फेल करके एक बार जोरदार तालियां स्वाति सिंह मैम के लिए। गुड मॉर्निंग, माहौल बहुत ठंडा लग रहा है भाई। गुड मॉर्निंग, मुझे बहुत सारे लोगों को लग रहा है मुझे चिढ़ हो रही है ना, होली भी चाहिए, क्योंकि जब मैं पहली बार बैठी हुई थी यहाँ पर और जब प्रोग्राम हो रहा था तो मैंने एक चीज जरूर नोटिस करी थी, मैंने ये देखा था उस टाइम पर कि वहां पर जो लाइन थी उस टाइम पर वो बॉयज की बहुत ज्यादा लंबी थी। उस टाइम पर सिर्फ लड़कियां 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 लड़कियां, मतलब लड़कियों को तो ऐसे समझते थे कि सिर्फ और सिर्फ लड़कियां किस चीज के लिए होती है, रोटी बनाने के लिए होती है, लड़कियां किस लिए होती है, बच्चे पैदा करने के लिए होती है, लेकिन लड़कियों को कभी भी कोई आगे नहीं आने देता है। बट ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो मैंने अंडरस्टैंड किया था और मैंने देखा था यहाँ पर जो आपका नेम और फेम बनता है वो दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में आपको नहीं दे सकता। मैं डॉक्टरी कर रही थी, मैं उस टाइम पे बहुत सीरियसली लगी हुई थी अपने करियर के लिए, लेकिन मैंने एक चीज देखी थी कि डॉक्टरी वो चीज नहीं दे सकती जो चीज ये दे सकती है। तो पहले तो मैं चाहूंगी कि स्मार्ट वैल्यू के लिए एक बार आप लोग जोर से या जो भी मैं आज कर पा रही हूँ, मैं चाहूंगी कि जितने भी सीनियर्स हैं उनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है, बट उससे पहले भी मेरे लिए दो लोग बहुत जरूरी है, क्योंकि शायद अगर आज मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ तो मेरी मम्मी की एज जो है वो 56 अब है और मेरे पापा की जो एज है वो 76 अब होने वाली है 5 जुलाई को। तो अगर उस एज में वो दोनों वहां पर मैनेज कर रहे हैं अकेले घर को तो मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, तो मैं चाहूंगी कि एक बार मेरे पेरेंट्स के लिए स्टार्टिंग में आई थी तो सिर्फ और सिर्फ बहुत डर लगता था चीजों से, बहुत सारी चीजें समझ नहीं आती थी, बट सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट रहा जिसमें सारी चीजें जितनी भी आज आप देख पा रहे हैं उसमें जो मेरी पूरी डाउनलाइन है, चाहे वो एक लड़का हो चाहे वो एक लड़की हो, उसने अपनी हर जगह पे इंडिविजुअल मेहनत करी है, इसलिए मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ। मैं यहाँ अकेली इस रिकॉग्निशन की हकदार रही हूँ, मेरी एक एक टीम का एक एक लड़का एक एक लड़की इस रिकॉग्निशन का हकदार है। मैं चाहूंगी मेरी टीम के लिए भी एक बार एप्रिशिएट। मेंटेनेंस का होना बहुत जरूरी है लाइफ में। मैं जब आई थी, मैं काम कर रही थी, मैं बहुत सारी मेहनत कर रही थी, मैं मेहनत किए जा रही थी, मेरे पास गोल्स भी थे, बहुत सारी चीजें थी, बट एक चीज नहीं थी, वो था एक गुड अपलाइन। एक गुड अपलाइन होना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में, जो आपको एक बड़ी सोच देता है, जो आपके गोल्स को क्लियर कराता है, जो आपको डे बाय डे ये बताता है कि अब आपको ऐसे करना है और इस तरह से इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है। क्योंकि दुनिया की बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी है जहां पर आप किसी न किसी से कोई ना कोई पूछ लोगे या देख लोगे, बट ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आपको अपलाइन जो गाइडेंस प्रोवाइड करता है आपको सिर्फ वही पकड़ के आगे चलना है। स्टार्ट कराया था हम जो सर ने, एक एक चीज बेसिक्स मुझे क्लियर करे, सारी चीजें मेरे उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया, उसके अलावा बात करते एक बड़ी सोच की, जो कि आज मैं तहे दिल से एक इंसान है जिनका बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, मोहम्मद अकबर सर का, बिकॉज उन्होंने की वजह से आज हिम्मत को हारने लगते हैं। आपके साथ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जब आपको लगेगा कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, बट वहां पर आपको कोई एक ऐसा चाहिए होता है जो बोले कि नहीं अब तो और ज्यादा जबरदस्त होगा, और सीरियसली अब जो हो रहा है वो और ज्यादा जबरदस्त हो रहा है। तो मैंने एक चीज बहुत ज्यादा नोटिस करी है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके गोल्स। मैंने लाइफ में एक गोल बनाया था, उस गोल को सिर्फ उसे पॉलिश करती रही। अभी जो हाल ही फिलहाल का मेरा जो गोल है, मैं अभी गोल्ड लेवल पे बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं हूँ, बिकॉज मेरा टारगेट जो है वो नेक्स्ट लेवल का है। मैं सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट लेवल के लिए टारगेट के लिए हिट कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को वो लड़की नहीं बनना चाहती थी। बहुत सारे लोग पेरेंट्स जैसे लड़कियां पैदा होती हैं तो उन्हें एक चीज लगती है कि भाई अब दहेज की टेंशन होने लगी, अब जो है वो इसके दहेज में गाड़ी देनी है, इसके दहेज में ज्वेलरी बनवानी है, बहुत सारी चीजें फेस करने शुरू कर देते हैं पेरेंट्स जैसे लड़की पैदा होती है, उस टाइम से लोगों को टेंशन शुरू हो जाती है। बट मैं एक ऐसी लड़की बनना चाहती हूँ जो भी 5 जुलाई को मैं अपने पापा को एक गाड़ी गिफ्ट करना चाहती हूँ। आपने देखा होगा गर्ल्स एंड बॉयज कार के पीछे लिखवाते हैं डैड गिफ्ट, मॉम गिफ्ट। मैं चाहती हूँ मेरे पापा जब कार चलाए तो उसके पीछे लिख के घूमे कि डॉटर्स गिफ्ट। मतलब जिस भी आप सर के साथ में हैं, जिस भी आप अपलाइन की गाइडेंस में हैं, उसके अपलाइन को पूरा फॉलो करना है, अपने गोल्स को बिल्कुल पॉलिश करना है
और डे बाय डे ट्रेनिंग्स में रेगुलर रहना है, बिकॉज मैंने जो कुछ भी सीखा है वो इस एम्पावरमेंट ट्रेनिंग की वजह से सीखा है। आप लोगों से भी बोलूंगी ट्रेनिंग्स में रेगुलर रहें, जो लिस्ट हम बनाते हैं उसको बहुत ही सीरियसली फॉलो करें, जो ड्रीम बुक हम बनाते हैं उसमें एक एक ड्रीम को बहुत ही क्लियरिटी से लगाएं, क्योंकि जो सारे ड्रीम्स हैं वो सारे यहाँ से पूरे होते हैं। वो चीज मैं देख रही हूँ धीरे धीरे, आपके साथ में भी जरूर पॉलिश होंगे। बाकी आप लोगों ने मुझे इतने ध्यान और इतने सपोर्ट से सुना, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स हमारे